सो फ्रेंड्स वेलकम टू द सीरीज ऑफ क्रिप्टो न्यूज। अभी जो न्यूज है दैट इज फ्रॉम बिटकॉइन नेटवर्क। सो बिटकॉइन ऑर्डिनल्स और सक्सेस क्वेश्चन मार्क बीटीसी सेट टू गेन मोर मोमेंटम देन इथेरियम कैपेबिलिटीज। ये न्यूज पब्लिश होती है ऑन CCN.com। इसके हाइलाइट्स को चेकआउट कर लेते हैं। फर्स्ट इज इट हैज बीन नियरली टू ईयर सिंस द बिटकॉइन अपग्रेड दैट इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डिनल्स। तो ऑर्डिनल्स क्या है तो वो देख लेते हैं। बिटकॉइन ऑर्डिनल्स इज अ प्रोटोकॉल दैट अलाउज इंडिविजुअल सतोशीज दैट इज SATs इन अ बिटकॉइन ब्लॉकचेन टू बी असाइंड अ यूनिक आइडेंटिफायर एंड ट्रांजैक्टेड विद एक्स्ट्रा डेटा अटैच। तो थोड़ा डेटा अटैच कर लेते ट्रांजेक्शन पे ताकि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिल सके। दैट इज बेसिकली बिटकॉइन ऑर्डिनल ऑर्डिनल एंड बिटकॉइन ऑर्डिनल का यूनिट है दैट इज सतोशीज दैट इज SAT। तो SAT के फॉर्मेट में हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन को भी जान सकते हैं दैट इज बिटकॉइन ऑर्डिनल्स। ये आर्टिकल मैंने लिया है टेकोपीडिया से। यू कैन चेक आउट द एंटायर आर्टिकल। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ बिटकॉइन NFTs। NFTs का मतलब है नॉन फंजिबल टोकन्स। तो बिटकॉइन के नेटवर्क पे काफी सारे NFTs को मिंट किया जा रहा है। सो फॉर एग्जांपल 2012 में इस तरह से NFT मिंट होती थी। 2014 में अपग्रेड आया क्वांटम द फर्स्ट एवर NFT काउंटर पार्टी ओमनी लेयर OP रिटर्न इंट्रोड्यूसेस द 80 बाइट लिमिट फॉर डेटा। सो ये अपग्रेड आया 2014 में। देन 15 में अपडेट आया स्पेल्स ऑफ जेनेसिस। 16 में आया रेयर पेपी कॉइन। 17 में था सेगविट इंट्रोड्यूसेस द 4 MB लिमिट फॉर डेटा। 21 में अपडेट था टैपरूट एनेबल्स एडिंग मोर डेटा टू अ ट्रांजेक्शन मेकिंग इट पॉसिबल टू क्रिएट इंस्क्रिप्शन। 22 में अपडेट था ऑर्डिनल्स क्लाइंट इज इंट्रोड्यूस टू द पब्लिक बाय कैसी रैडमोर। एंड लास्ट 23 में अपडेट था फर्स्ट एवर 4 MB इंस्क्रिप्शन इज मिंटेड एंड माइंड बाय लक्सर पूल। इंस्क्रिप्शन वॉल्यूम एक्सप्लोर्ड फर्स्ट ऑर्डिनल वॉलेट्स आर क्रिएटेड एंड न्यू मार्केट प्लेट्स आर इमर्जिंग। तो ऑर्डिनल वॉलेट्स भी क्रिएट किए जा रहे हैं ऑन द बिटकॉइन नेटवर्क। सो दिस इज द एंटायर इवोल्यूशन ऑफ बिटकॉइन NFTs। तो फाइनली NFTs के अंदर एक ऑर्डिनल्स का भी इंट्रोडक्शन हो चुका है बिटकॉइन नेटवर्क के ऊपर। सो दिस इज द आर्टिकल फ्रॉम टेकोपीडिया। यू कैन चेक आउट द एंटायर आर्टिकल ओवर हियर। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं इसके नेक्स्ट हाइलाइट्स को। एज अ नेटवर्क हैज इवॉल्व्ड न्यू यूज केसेस हैज एक्सपांडेड। ठीक है, तो जितना भी नेटवर्क इवॉल्व होता है ब्लॉकचेन में डेवलपमेंट आते हैं तो यूज केस भी उसके साथ में बढ़ते जाते हैं। टुडे बिटकॉइन डेवलपर्स आर वर्किंग ऑन न्यू एप्लीकेशंस एंड दीज मे गिव द ब्लॉकचेन इथेरियम स्टाइल कैपेबिलिटीज। तो जिस तरह से इथेरियम का बड़ा यूज केस है, बड़ा इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है ऑलरेडी इथेरियम का, उसी तरह से बिटकॉइन का भी बड़ा यूज केस डेवलप हो सकता है बिकॉज नेटवर्क कैपेबिलिटी काफी तेजी से एक्सपांड होते जा रहे हैं। So that is the news coming from CCN.com. You can check out the entire article, which I will mention the link in the description box. एंड मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।